आज मैं एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करूंगा जिसकी एनओसीज भी अप्रूव है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस के साथ उसमें बुकिंग लॉन्च की गई है, रेजिडेंशियल प्लस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तीन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने जा रही है। साथ साथ मैं इसकी डेवलपर्स की हिस्ट्री के बारे में गाइड करूंगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी असद अली और आज मैं आपको इस्लामाबाद M1 मोटरवे पे मौजूद एक ऐसे सोसाइटी के बारे में बताऊंगा जिसकी अगर मैं बात करता चलूँ डेवलपर की हिस्ट्री के हवाले से, तो इसके जो डेवलपर्स हैं इन्होंने अपने पिछले तमाम फेजेस को सक्सेसफुली डिलीवर किया और अपनी शोहरत का लोहा मनवाया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ न्यू सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो डिवेलपर्स हैं जिन्होंने अपने न्यू सिटी वहाँ फेज़ 1 और फेज़ 2 को सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद अपना न्यू प्रोजेक्ट, जो कि अगर मैं लोकेशन की बात करता चलूँ तो बुरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये लोकेट कर रही है, जिसका नाम है न्यू सिटी पैराडाइज। न्यू सिटी पैराडाइज में सबसे पहले बुकिंग लॉन्च की गई थी 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 किनाल की, जो कि अब इस बुकिंग को क्लोज करने के बाद न्यू सिटी पैराडाइज में एक न्यू बुकिंग लॉन्च हुई है जो कि अवामी ब्लॉक के नाम से है, जिसमें 4 मरला और 6 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं। अगर मैं इस बुकिंग के हवाले से बात करता चलूँ या इस फेज़ के हवाले से बात करता चलूँ, तो इसकी खासियत ये है कि एक तो ये लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है, M1 CPAC रूट पे लोकेट कर रहा है और आप इसको बुरहान इंटरचेंज से भी 0 किलोमीटर के डिस्टेंस से इजीली अप्रोच कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट के साथ ये लॉन्च हुई है सोसाइटी। इसकी जो मेन एंट्रेंस है उसकी मेन एंट्रेंस का काम ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30-40% तक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और जो मेन रोड हैं इसके वो भी कारपेट हो चुके हैं। अब मैं अगर बात करता चलूँ कि इस सोसाइटी में या इस ब्लॉक के अंदर, जो कि अवामी ब्लॉक के अंदर ये जो बुकिंग लॉन्च की गई, इसमें किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि जो एक हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजॉय करने के लिए एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ जिन लोगों का पर्पज़ है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए भी ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी है। इसकी रीज़न ये है कि न्यू सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने अपने पिछले 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए, जो कि न्यू सिटी वहा के नाम से हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 110% जो है वो ब्रांड एक्टिव हैं और यहाँ पे 20,000 प्लस से ज़्यादा जो घर हैं वो बने हुए हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी हाई लेवल पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, सेम लाइक ये स्टैंडर्ड जो है अब ये न्यू सिटी पैराडाइज में लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ अभी इसकी जो बुकिंग है वो सिंपल सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से है, कमर्शियल प्लॉट्स की भी बुकिंग वेरी सून इसमें लॉन्च की जाएगी, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी सोसाइटी में होना बहुत ही अहमियत की हामिल है। अवामी ब्लॉक के अगर मैं पेमेंट प्लान के हवाले से बात करता चलूँ, तो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड किए गए हैं और 3.5 साल का ये इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान है, जिसमें आप 4 मरला की जो बुकिंग है वो 1,80,000 की डाउन पेमेंट से करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो 6 मरला है उसकी बुकिंग आप 2,50,000 की डाउन पेमेंट पर करवा सकते हैं। अवामी ब्लॉक के मैं अगर दीगर चार्जेस के हवाले से बात करता चलूँ, जिसमें बैलेटिंग चार्जेस और पोजेशन चार्जेस वो भी इसमें इंक्लूड हैं, अगर इसकी टोटल प्राइस के बारे से बात करता चलूँ तो 14,75,000 की टोटल अमाउंट पे इसकी 4 मरला की बुकिंग लॉन्च की गई है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता चलूँ इस्लामाबाद की दीगर सोसाइटीज़ के साथ, जिस तरह के ब्लूवर सिटी है, किंगडम वैली है, पार्कव्यू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, तो इन सोसाइटी की निस्बत ये सोसाइटी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर अपनी बुकिंग लॉन्च करती है, और इसके साथ साथ ये भी नहीं है कि कोई हिडन चार्जेस वगैरह इसमें इंक्लूड हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के साथ काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे इन्होंने ये बुकिंग लॉन्च की है। तो ये थी न्यू सिटी पैराडाइज की बुकिंग के हवाले से कुछ मेजर अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप इसमें अगर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर देगा नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए या सेलिंग एंड बाइंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर हमारा व्हाट्सएप एंड ईमो पे अवेलेबल है फॉर ओवरसीज एंड पाकिस्तानी क्लाइंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।